मधुबन यादव राष्ट्रीय पंचायती राज प्रधान संगठन जिला वाराणसी के मैं जिला अध्यक्ष हूँ राकेश कुमार सिंह। आज जिला मुख्यालय पे क्या करने आए थे? आज हम लोग जिला मुख्यालय पे डीएम साहब को पत्रक देने आए थे जो कि सीडीओ और डीपीआरओ द्वारा ग्राम सभा में दबाव बनाया जा रहा है, उसी के विरोध में हम लोग आज यहाँ पत्रक दिए हैं। डीपीआरओ महोदय का एक आदेश हुआ है कि आप लोग पहले कायाकल्प विद्यालय के कर दीजिए, ग्राम निधि के पैसे से, जो निधि का पैसा गांव सभा के विकास के लिए आता है उस पैसे से मैंने कायाकल्प के रूप में विद्यालय के करा दिया। अब हमारे डीपीआरओ महोदय कह रहे हैं कि आप आंगनबाड़ी का करा दीजिए, कोऑपरेटिव भवन का करा दीजिए, जबकि पहले का भी पैसा हर गांव सभा में 5 से 7 लाख 8 लाख रुपया लगा हुआ है, वो प्रधानों को आज तक नहीं शासन द्वारा दिया गया, न जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिया गया, न तो डीपीआरओ महोदय द्वारा दिया गया। आज तक हम लोग कर्जे में डूबे हैं, जिससे सामान लेकर के मैं कायाकल्प में किया हूँ वो लोग कर्ज मांग रहे हैं, नहीं दे पा रहा हूँ। तब तक दूसरा इनका एक फतवा जारी हो गया कि अब आप आंगनबाड़ी का करिए, गांव सभा में पैसा कहीं अतिरिक्त व्यवस्था नहीं है, 5 से 7 लाख रुपया सालाना मिलता है, इनके कार्यक्रम के अनुसार कायाकल्प के अनुसार 18 से 20 लाख का काम है, हम लोग कहाँ से करावें, किससे कर्जा लें, किसका दबाव बनाएं, ये कोई सुनने वाला नहीं है। डीपीआरओ कहते हैं कि यदि आंगनबाड़ी का कायाकल्प नहीं कराएंगे तो आप प्रधान और सचिव के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये डीपीआरओ महोदय का कहना है। हमारे सीडीओ महोदय का क्या कहना है कि वीडियो को आदेश किए हैं कि यदि आप इन लोगों को पक्का काम कर देते हैं तो मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, जबकि शासन का आदेश है 60-40 रेशियो पूर्ण, यानी 60 अगर हम कच्चा काम किए हैं तो 40% का पक्का काम करने का हमें शासन आदेश देती है। उसके बाद अलग से एक इन्होंने फतवा जारी किया है सीडीओ महोदय कि इन लोगों को पक्का काम करने का आदेश नहीं किया जाए, जिससे हम गांव सभा में विकास नहीं कर पा रहे हैं, ये इससे काफ़ी परेशानी आ रही है। आप जो पत्रक में क्या मांगे हैं? हम पत्रक में मांग की है कि ग्राम प्रधान अपने निधि के पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगा, निधि का पैसा गांव सभा के विकास के लिए है तो उससे गांव में ही विकास करेगा, न तो केयर टेकर का मानदेय देगा, न तो किसी का प्रधान अपना मानदेय लेगा, न तो बिजली बिल देगा, न तो ऑपरेटर का देगा, जो भी प्रधान का पैसा निधि का पैसा आता है गांव सभा के विकास के लिए वो विकास में ही हम लोग लगाएंगे।